हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज है डे टू ऑफ नवरात्रि और आज का कलर है ग्रीन। तो आप लोग को तो पता ही है, जो मैंने सीरीज़ स्टार्ट की है कलर वाइज मेकअप लुक क्रिएट करने के लिए, तो आज का है डे टू ग्रीन का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का मेकअप। और गाइस, ये यहाँ पे मैं ट्यूटोरियल स्टार्ट कर रही हूँ। सबसे पहले मैं लगा रही हूँ प्राइमर। प्राइमर मैं प्रॉश का लगा रही हूँ, मॉइस्चराइजिंग प्राइमर है, क्योंकि अभी मेरी स्किन थोड़ी ड्राई फील हो रही थी तो मैं अभी मॉइस्चराइजिंग प्राइमर लगा रही हूँ। अदरवाइज़ मैं सिलिकॉन प्राइमर लगाती हूँ। सो भाई, आपके स्किन के अकॉर्डिंग आपको चेंज करना पड़ता है। तो गाइस, आज मैं बिल्कुल भी कोई भी फाउंडेशन यूज़ नहीं करूँगी और मेकअप करूँगी। तो यहाँ पे मैं कर रही हूँ एक फुल कवरेज कंसीलर का यूज़। तो हाँ गाइस, या तो आप फाउंडेशन यूज़ कर सकते हो या तो आप कंसीलर यूज़ कर सकते हो। तो आज मैं कर रही हूँ सिर्फ और सिर्फ कंसीलर से मेकअप। तो आप लोग देखते जाइए कि मेकअप कैसा होता है। आप लोग लास्ट में बताइएगा कि मेकअप सही हुआ है या नहीं, क्योंकि मैंने सिर्फ कंसीलर यूज़ किया। तो कंसीलर यहाँ पे मैंने एकदम अपने फेस से मैचिंग लिया है, देख सकते हो आप लोग, मेरे नेक पे बिल्कुल मैच हो रहा है। तो गाइज़, आप लोग भी अगर फाउंडेशन यूज़ नहीं करना चाहते तो आप लोग भी सिर्फ कंसीलर से अपना मेकअप कर सकते हैं। बस कंसीलर फुल कवरेज होना चाहिए और कुछ नहीं। तो गाइज़, यहाँ पे मैं लगा रही हूँ एक फुल कवरेज कंसीलर और इसके बाद मैं लगा रही हूँ कॉन्टूरिंग, मतलब मैं कर रही हूँ कॉन्टूरिंग। तो यहाँ पे मैं हल्के से कॉन्टूरिंग कर रही हूँ। आप लोग शेड देख सकते हो, मेरे स्किन टोन से एक शेड डार्क है। तो ज़्यादा आप लोग कुछ ज़्यादा ही ब्राउन शेड मत चूज़ करिएगा, हल्का सा ही करिएगा। उससे अच्छा डायमेंशन आता है फेस पे और एकदम स्ट्रिकी लाइंस भी नहीं दिखती। आप लोगों को ऐसे अपवर्ड डायरेक्शन में अपना कॉन्टूर ब्लेंड करना है तो अच्छे से ब्लेंड करिएगा गाइस। क्रीम प्रोडक्ट लेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा, लिक्विड लेना आप लोग प्रेफर मत करिए। तो यहाँ पे अब कॉन्टूर के बाद मैं कर रही हूँ हाइलाइटिंग, क्योंकि मैंने एकदम अपने फेस के शेड का कंसीलर पहले यूज़ किया था। तो अब मुझे थोड़ा सा हाइलाइटेड इफ़ेक्ट चाहिए अपने फेस पे। तो मैं अपने स्किन से एक टोन लाइट कंसीलर लेके अब मैं इसे हाईलाइट कर दूँगी, क्योंकि गाइस मेकअप करते करते भी एक घंटे बाद सेट होने के बाद थोड़ा सा अपना एक कलर डार्क कर ही देता है। तो अगर आप लोग करते वक्त थोड़े ब्राइट भी लगोगे तो टेंशन मत लेना, एक घंटे में वो सेटल हो जाता है। तो गाइस, मुझे ब्राइटनिंग इफेक्ट पसंद है इसलिए मैं कर रही हूँ। आप लोग को एकदम नेचुरल टोन का रहना है तो आप लोग वैसे भी कर सकते हो। ये वाला मेकअप भी लास्ट तक मेरा एकदम एग्जैक्ट मैच लगेगा, आप लोग देख लेना। बाकी मुझे हाइलाइटिंग पसंद है, कभी और कभी मैं करती हूँ और कभी नहीं भी करती हूँ। तो आज मेरा मन था तो मैंने कर लिया। तो यहाँ पे मैं कर रही हूँ एक हाइड्रेटिंग कंसीलर से हाईलाइट, क्योंकि पहले मैंने फुल कवरेज यूज़ किया था तो अभी मैं हाइड्रेटिंग कर रही हूँ। अब गाइस, सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि आप लोग को अच्छे से अपना मेकअप सेट कर लेना है, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम आप लोग अगर अभी इस स्टेप पे अच्छे से सेट कर लोगे ना, तो वो मतलब कि प्रॉपर मतलब कि मूव नहीं होगा। नहीं तो अगर आप इस टाइम पर नहीं करोगे तो क्रीसेस आ जाएंगे जो भी है, फिर वो कोई मतलब नहीं रहेगा। तो आप लोगों को इमीडिएटली उसे मस्त सेट कर लेना है। आप लोग चाहे तो फिक्सिंग स्प्रे लगा सकते हो, लेकिन मुझे अभी बाहर नहीं जाना था, मैं सिर्फ वीडियो के लिए मेकअप कर रही हूँ इसलिए मैंने नहीं लगाया। तो इसके बाद मैं कर लेती हूँ अपनी आईब्रोज़। आईब्रोज़ आप लोग देख सकते हैं मैं कैसे डिफाइन कर रही हूँ, आप लोग अपने आईब्रो शेप के हिसाब से कर लीजिएगा। तो मुझे थोड़ी डार्क आईब्रोज़ पसंद है तो मैं उस हिसाब से कर रही हूँ। आईब्रो के बाद बारी आती है ब्लश की। तो ब्लश मुझे बहुत पसंद है। आज मैंने लिक्विड ब्लश नहीं लगाया था तो मैं लगा रही हूँ पाउडर ब्लश, वो भी भर भर के, क्योंकि मुझे ब्लश बहुत ज़्यादा पसंद है। वन ऑफ माय फेवरेट स्टेप है ब्लश लगाना। तो देखिए, ब्लश लगाने के बाद एक फेस में एक अलग ही नेचुरल टोन आ जाता है, फ्लश ऑफ कलर आ जाता है, मुझे तो काफ़ी अच्छा लगता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आई मेकअप। और आई मेकअप आज का होने वाला है स्मोकी, जैसे कि आप लोगों ने इंट्रो में देख ही लिया होगा। तो आप लोगों को कुछ नहीं करना है, जस्ट एक ब्लैक आई शेडो लेना है, उसे एक ब्रश से आपके मतलब आईज के ऊपर जहाँ पे आप लाइनर लगाते हो ना, वहाँ पे प्लेस कर देना है। बस थोड़ा मोटा लाइनर लगाओगे उस टाइप का आपको बस प्लेस करना है, उसे एकदम प्रिसाइजली एकदम अच्छे से नहीं लगाना, बस दोनों साइड आप लोग को ऐसे प्लेस कर देना है आई ब्लैक आई शेडो। उसके बाद गाइज, आप लोग को करना ये है कि कोई भी एक ब्राउन अपना न्यूट्रल कलर लेना है और उसे उसके ऊपर क्रीजेस को मिटाने के लिए यूज़ करना है, जिससे वो एकदम ब्लैक आपका अलग से भी नहीं दिखेगा और ब्राउन के साथ मर्ज हो जाएगा, तो वो काफ़ी अच्छा लगता है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, मैं वही लाइट ब्राउन लेके उसे अच्छे से दोनों को मिक्स कर रही हूँ। तो अच्छे से टाइम लेके आप लोग करिएगा गाइज ये वाले स्टेप। जितना ज़्यादा अच्छे से आप लोग ब्लेंड करोगे उतना ज़्यादा अच्छा है।
तो गाइज यहाँ पे देखिए, मैं वीडियो बनाने के लिए आप लोग को बता रही हूँ, आप लोग जब खुद से करोगे ना तो आप लोग को और अच्छे से समझ आएगा। तो थोड़ा थोड़ा कलर लेके आप लोग अच्छे से ब्लेंड करिए, फिर बहुत अच्छे से हो जाएगा गाइज। इसमें कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं है, बस ज़्यादा ब्लैक वाला जो आई शेडो ना उसको ज़्यादा ऊपर तक मत लाना, ब्राउन से ही आप लोग ब्लेंड करने की कोशिश करना, मेरा ये एक टिप है। बाकी आप लोग को नीचे भी हल्का हल्का ब्राउन लगाना है तो लगा सकते हो। फिर यहाँ पे जो मैं ये पिकॉक ग्रीन कलर का पिगमेंट है ना उसे प्लेस करूँगी स्मोकी आई के लिए, क्योंकि मैं ब्लैक स्मोकी आई नहीं कर रही हूँ, हमें मुझे कलर भी ऐड करना है। तो ऐसा आप जो भी कलर है आप ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए कलर ऐड करने के बाद कितना अलग दिख रहा है। तो बस यही था सिंपल सा मेरा लुक, आप लोग कोई भी इसे कर सकता है, बहुत बड़ी बात नहीं है। फिर यहाँ पे मैं हल्का सा गोल्डन शिमर लूँगी और अपने इनर कॉर्नर्स पे लगा दूँगी, जिससे काफ़ी पॉप आउट लुक आता है गाइज, डीप सेट नहीं लगती है आईज़। तो ये भी एक स्टेप है जो आप लोग कर सकते हो एडिशनल में। अब गाइज मैं कर रही हूँ अपनी आईलैशेस को कर्ल, क्योंकि आईलैशेस पे अब मैं लगाने वाली हूँ फॉल्स आईलैशेस। पहले मैंने सोचा था कि मैं मस्कारा लगाऊंगी, लेकिन फिर मुझे लगा कि स्मोकी आईज में बिना फॉल्स आईलैशेस के मज़ा नहीं आता। तो मैं सिर्फ हाफ आईलैश लगाने वाली हूँ, आप लोग देख सकते हो मैं सिर्फ आउटर कॉर्नर पे ग्लू प्लेस कर रही हूँ। तो इसको ग्लू को आपको लगा के 2 मिनट या 5 मिनट रख देना है, और उसके बाद यहाँ पे मैंने अपनी लैशेस को कट कर लिया है और ये मैं आउटर साइड पे प्लेस कर रही हूँ। तो गाइस जैसे कि आप लोग की आईज छोटी ना, तो आप लोग एकदम सामने से लैशेस मत लगाइए, आधे से लगाइए, तो आईज आप लोग की काफ़ी ओपन अप लगेगी, जैसे कि आप लोग यहाँ देख सकते हो। सो यहाँ पे भी मैं दोनों साइड पे लगा देती हूँ ग्लू को, थोड़ा टैकी होने के लिए टाइम दीजिए, फिर वो मस्त अब एक बार में चिपक जाता है, जैसे कि आप लोग देख सकते हो। तो यहाँ पे मेरी दोनों आईलैशेस लग गई हैं, बस आगे पीछे करके सेम कर लीजिए। और अब गाइस आती है बारी लिप्स की, तो यहाँ पे मैं अपने लिप्स लाइन कर लूँगी एक न्यूड पेंसिल से। सो अच्छे से लिप लाइनर लगा लीजिए, उससे आप लोग को लिक्विड लिपस्टिक लगाने में आसानी होगी, वरना लिक्विड लिपस्टिक इधर उधर फैल जाती है। अब मैं लगाऊंगी एक मेबलिन का न्यूड शेड, जो कि गाइज मैं हमेशा स्मोकी आइस पे ये वाला ही शेड यूज़ करती हूँ। तो गाइज अब मेरी लिपस्टिक सेट हो रही है, तब तक कि मैं थोड़ा सा हाईलाइटर लगा लेती हूँ, हाईलाइटर भूल गई थी मैं। तो यहाँ पर मैं लगा रही हूँ हाईलाइटर, और ग्लो करना किसको नहीं पसंद, तो हाईलाइटर इज़ अ मस्ट। सो गाइज अब मुझे लगा कि मुझे थोड़ा सा ग्लॉस भी लगा लेना चाहिए, तो मैं यहाँ पे लगा रही हूँ बहुत ही सुंदर सा पीच कलर का ग्लॉस, इसलिए मैंने न्यूड लिपस्टिक लगाई थी, क्योंकि उसके ऊपर कोई भी ग्लॉस चल जाता है। फिर गाइज मैंने इनर लिप्स पे अपने हल्का सा एक रेड टिंट लगा के इस लुक को फिनिश किया। और आज का ये मेकअप लुक आप लोगों को कैसा लगा प्लीज़ ज़रूर बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून।